फ्रेंड्स, ये कच्चे आम की लौंजी तो आप सब लोगों ने बनाई होगी और खाई होगी। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की, कच्चे पक्के अचार वाले तो नहीं हैं, लेकिन देखिए ये जो कुछ थोड़े थोड़े पकने वाले होते हैं, कई लोग इसको अम्बुआ बोलते हैं, हम इसको लौंजी बोलते हैं। तो इसके लिए ले ली है मैंने 2 लाल मिर्च और कढ़ाई में कर लिया है तेल गर्म। ठीक है, इसमें मैंने अभी मेथी की सब्ज़ी भी बनाई है और साथ में मेथी मूली मिक्स, मूली की सब्ज़ी, मेथी नहीं यार, हरी सब्ज़ी को देख के सिर्फ मेथी याद रहती है। तो इसमें डाल दी हमने मेथी दाना साबुत, थोड़ी सी डाल दी है सौंफ और थोड़ा सा डाला है अजवाइन, ठीक है, हाफ स्पून। और इसी के साथ डालने के बाद जैसे ये थोड़ा सा हो जाता है, हम डाल देंगे इन आमों को। ठीक है, ये काट के इसमें गुठली भी हमने कर ली है यूज, तो बस इनको अच्छे से हम थोड़ा सा पका लेते हैं और मसाले के डब्बे कर लेते हैं बंद। नेक्स्ट जो है हम ले लेते हैं अपने दूसरे मसाले को। अब हम इसमें डालेंगे जी, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, ठीक है, लाल मिर्च 1 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत मेथी, मेथी ना भी डालें तो चलेगा, और ये धनिया, इसमें खड़े मसाले में भी डालना है ये सब, इसको ऐसे ही पकने दिए। तो इस टाइम हमने डाल दिया है इसमें 1 गिलास पानी, 1, और अब डालेंगे हम इसमें नमक। ठीक है, ये नमक डालने के बाद थोड़ा हम डालेंगे काला नमक, वाइट नमक के साथ साथ इसमें जाता है थोड़ा सा काला नमक, काले नमक से ना फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। और बस थोड़ा सा उबलने देते हैं इसको। ये देखिए जैसे जैसे पक रहा है कितना बढ़िया बॉईल आ रहा है इसमें, ठीक है, ये देखिए। लेकिन अभी तक आम जो है वो पके नहीं है, इसको बॉईल होने देते हैं थोड़ी देर। और आम हमारा पक के रेडी हो गया है और इस टाइम पे मैंने डाल दिया है गुड़, क्योंकि गुड़ ठीक है, गुड़ इसकी गर्माइश से गल भी जाएगा और पक भी जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही हम इसमें पका लेंगे। कई लोग मीठे के लिए चीनी भी डालते हैं, बट इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए हमने इसमें ये काला वाला गुड़ डाल दिया है। तो ये बन गई हमारी लौंजी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं, बट अगर डेली यूज़ के लिए बनानी है तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। इसको कभी टेस्ट करके देखिए, बहुत ही मज़ा, आनंद आ जाते हैं। तो आप भी आनंद लीजिए।